आज बनेगा मोमोज। तो मोमोज के लिए पत्ता गोभी काट लिए हैं, धनिया पत्ता है, गाजर कट कर लिए हैं। आज सारा तीती चटनी घर में ही बनेगा, तीता चटनी। तो सारा चीज़ काट करके रख लिए हैं। अब इसको धो करके और थोड़ा सा सौदे कर देंगे। स्टफिंग के लिए हम शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी चॉप कर लिए हैं, इधर धनिया पत्ता। इधर चटनी के लिए टमाटर, लहसुन और नमक डाल करके इधर हम होममेड चटनी बनाएंगे। और इधर हम लाल मिर्ची और लहसुन डाल दिए हैं, चॉप कर लिए हैं प्याज भी और लहसुन भी, हरी मिर्च और लहसुन भी इसके लिए हम रख लिए हैं। तो चलिए हम कढ़ाई चढ़ाते हैं और दिखाते हैं मोमोज कैसे तैयार करें। देखिए तेल गरम हो गया है और इसमें हम लहसुन और मिर्ची डाल देंगे। हल्का सा लाल होगा तो हम प्याज डालेंगे। देखिए अब लहसुन और मिर्ची हल्का सा भून गया है, अब इसमें प्याज डालेंगे। एक बड़ा प्याज है उसको हम छोटा छोटा चॉप कर लिए हैं। अब प्याज डालेंगे, हल्की सी लाल हो जाएंगे तब हम ये तीनों शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी को डालेंगे। मेरा भरावन तैयार हो रहा है और इधर हम दो लगाएंगे। तो दो कप मैदा हम लेंगे, दो कप मैदा लेंगे और इसको हम छान लेंगे, इसको हम छान लेंगे। प्याज भी लाल हो गए हैं हल्का सा। अब इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च, क्योंकि शिमला मिर्च थोड़ा सा सौते होगा तो अच्छा लगेगा, नहीं तो थोड़ा सा हरियाइन हरियाइन लगता है। और इसी के साथ हम डालेंगे गाजर। इसमें हम घी डाल दिए हैं और इसका हम डो लगाएंगे। तो गीला भी डो नहीं लगाना है और टाइट डो भी नहीं लगाना है, जैसे कचौड़ी का डो लगता है वैसे लगाएंगे। अब इसमें पत्ता गोभी मिला देंगे। इसमें अभी नमक नहीं डालेंगे, नमक डालने से पानी छोड़ देगा तो नमक नहीं डालेंगे। दो मिनट भूनेंगे उसके बाद ऑफ कर देंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और इसमें पानी डाल के डो लगा देते हैं। देखिए ऐसा डो लगा करके हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, इसको ढक देंगे। तब ऐसे डालेंगे तो पानी छोड़ देगा, इसको ठंडा होने देंगे। देखिए मोमोज का चटनी बनाएंगे। तो मिर्ची को उबाल लिए हैं और लहसुन को, इधर टमाटर और मिर्ची लहसुन भी उबाल लिए हैं। थोड़ी सी चीनी डाले हैं, थोड़ा सा नमक डाले हैं। तो इसमें हम इसके विनेगर डालेंगे। देखिए ये भी मेरा भरावन एकदम ठंडा हो गया है। अब इसमें नमक मिलाएंगे, इसमें थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, स्वाद अनुसार नमक मिला देंगे और थोड़ा सा सोया सॉस। ये बहुत ही जूसी बन करके भरावन तैयार हो गया है। इसमें मिर्ची डालने का, सॉस डालने का जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें मिर्ची हम खड़ा डाले हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ता हम डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे।
ये मोमोज फ्राई भी कर सकते हैं और बॉयल भी कर सकते हैं। तो आज मैं स्टीम करूंगी और मोमोज बनाऊंगी। फिर हम चार मोमोज बना करके रखे हैं और इधर बेल करके भी रखे हैं। अब इसको हम भर के दिखाते हैं। इसमें हम किनारे में पानी लगाएंगे सबसे पहले और इसको भरावन डालेंगे इसमें। आप जितना भर सकिए उतना भर देना है और इसको इस तरह से गढ़ देना है। और इसको ऐसे सटा देना है। देखिए हम तीन तरह से बना करके आप लोग को दिखा रहे हैं। एक गोल है, एक इस तरह का है और दो इस तरह का है। तो सारा मोमोज हम इसी तरह बना करके दिखाएंगे। तो हम इसमें अब इसमें हम जाली डाल दिए हैं और इसमें सारे मोमोज को शिफ्ट कर देंगे। अलग अलग डालना है। मेरे पास इतना ही तैयार है इसलिए हम इतना ही डालेंगे और इसको इसे ढक देंगे। देखिए कितना ट्रांसपेरेंट बन करके तैयार हो गया है। अब इसको हम निकाल देते हैं। निकाल करके इसमें हम चटनी लगाएंगे। जो मैदा बचा हुआ है उसका हम इधर मोमोज तैयार कर लेते हैं। देखिए तीन चार तरह से मोमोज बना करके हम तैयार किए हैं। भरावन बचा हुआ है, ये तीखी चटनी हम बना करके रख लिए हैं और ये थोड़ी सी मीठी चटनी है। तो तीखी चटनी देखिए कितना अच्छा कलर आया है। सर्व करके हम दिखाएंगे। दो कप मैदे से 30 मोमोज बन करके तैयार हो गए हैं। देखिए और ये तीखी चटनी के मोमोज कितने अच्छे बन करके तैयार हैं। अब इसमें डिप कीजिए और खाइए। तो ये वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।